जल्द मिलेगा ऑक्सीजन प्लांट का दमो बच्चों को लाभ। मशीनें कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सुबह पहुंच जाएंगी दमो। एक मिनट में 1500 लीटर ऑक्सीजन का करेंगे निर्माण। कुछ ही दिनों में दमो बच्चों को मिलेगा लाभ। इंजीनियर पहुंचे दमो। नमस्कार, समाचार विस्तार में। लंबा इंतजार समाप्त हुआ। दमोह में ऑक्सीजन प्लांट का जो लाभ है वह अब लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मशीनें कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं, वह दमोह की ओर बढ़ रही हैं सने सने, और सुबह तक यह मशीनें यानी 24 से जुलाई को दमोह मशीनें पहुंच जाएंगी। जब पूरा विश्व गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहा होगा उस समय दमोह वासियों को एक सौगात मिलेगी, यह मशीनें दमोह में पहुंच जाएगी। एक मिनट में 1500 लीटर ऑक्सीजन बनाने की क्षमता इन मशीनों की बताई जाती है। बताया जाता है कि 21,60,000 लीटर ऑक्सीजन 24 घंटे में यह मशीनें बनाती हैं, यानी 300 बड़े सिलेंडर इनसे भरे जा सकते हैं। जिले वासियों को लंबा इंतजार था और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। इंजीनियर दमो पहुंचे हैं और वह लगातार मशीनें रास्ते में किस प्रकार चल रही हैं, किस प्रकार स्थिति है, इस पर नजर रखे हुए हैं। बताया जाता है कि जो मशीनें जो है इंस्टॉल करने के बाद में ये पूरा प्लांट जो है ना वह ऑपरेट होगा पूना से। पूना से ये मशीनें रवाना हुई हैं। भारत पेट्रोलियम की ये मशीनें हैं, ये कंपनी की तरफ से यहां पर भेजी गई हैं। मध्य प्रदेश में यह चौथा स्थान होगा जहां ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन की मशीनें लगाई जा रही हैं। यूं तो पूरे प्रदेश भर में पूरे प्रत्येक जिले में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारत के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना है। मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और ये जो कंपनी है यह चौथी जगह इस मशीन को इंस्टॉल कर रही है। इसके संबंध में हमने चर्चा की मनीष गौड़े से, जो कि इंजीनियर हैं। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। क्या मैं नाम जान सकता हूँ आपका? मनीष गौड़े। मनीष गौड़े जी। मनीष गौड़े। मनीष जी, आप दमो आए हैं। सुना है कि ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन मशीनें जो हैं उनको यहाँ इंस्टॉल करने के लिए आप आए हुए हैं। हाँ। सही है। कहाँ से आए हैं आप? हम पुणे से आए हैं। ब्रिसे केमिकल्स हमारी कंपनी का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, कंपनी की तरफ से आप आए? कंपनी की तरफ से। मतलब प्रदेश में कितनी मशीनें आप इंस्टॉल कर रहे हैं? पूरी 6 मशीनें हैं मध्य प्रदेश में। अच्छा, 3 बीटा है अभी तक, ये चौथा है और 2 आने वाली है। अच्छा, इन्हें 3 मशीनें अभी तक आप इंस्टॉल कर चुके हैं, बिठाल चुके हैं मध्य प्रदेश में। पहली मशीन कहाँ लगाई थी आपने? पहली मशीन हमने छतरपुर में लगाई। छतरपुर में, और फिर उसके बाद लगाते हुए आज दमोह में आप मशीन लगा रहे हैं। इसके बाद शिवपुरी और शायद देवास में मशीन लगाई है। अच्छा, ये जो आप मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं ये कंपनी की तरफ से आप आए हुए हैं, इसकी कितनी कैपेसिटी है? 1500 लीटर पर मिनट का बनाता है। 1500 लीटर पर मिनट? पर मिनट मिनट में 1500 लीटर बनाता है। 1500 लीटर एक मिनट में ये ऑक्सीजन को बनाएगी। इसको चलाने के लिए कोई टेक्निकल लोग चाहिए पड़ेंगे क्या? टेक्निकल एक ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। और इसका रख रखाव जो रहेगा वो किस प्रकार होता है? रख रखाव मतलब इसको मेंटेनेंस कैसे करते हैं? मेंटेनेंस के लिए हमारी कंपनी का आएगा, वो कंप्रेसर का और सिर्फ फिल्टर वगैरह ऑयल वगैरह चेंज करने का। अच्छा, कंप्रेसर और फिल्टर आपकी कंपनी की तरफ से उस पर। आइए, कब तक मशीनें पहुँचेंगी दमो? कल सुबह तक पहुँचने वाले, 3 दिन हो गए निकली हो पुणे से। अच्छा, कल सुबह तक पहुँचाएगी, यानी कल सुबह दमो मशीन पहुँच जाएगी। और फिर उसके बाद में आप कब से काम शुरू कर देंगे इसको? हम मशीन आ जाएगी तो जल्दी चालू कर देंगे। कितने दिन में दमो के लोगों को ये सुविधा मिलना चालू हो जाएगी? 3-4 दिन में मिल जाएगी। 3-4 दिन के अंदर ये सुविधा दमो वासियों को मिल जाएगी। जी हाँ। तो सुना आपने, ये थे मनीष गौड़े जो कि इंजीनियर हैं, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए आए हैं, और उनके साथ में आए हुए हैं भरत काले।
भरत काले का एक भी एक लंबा अनुभव है, उनसे हमने चर्चा की किस प्रकार मशीन काम करेगी, किस प्रकार मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा। ये नाम जान सकता हूँ? भरत दिलीप काले। भरत दिलीप काले। भरत दिलीप काले। काले साहब, आप पुणे से आए हुए हैं? पुणे से। ऑक्सीजन की मशीन बिठाने का काम आप करते हैं, लंबा अनुभव होगा। हाँ। दमोह कब पहुँचे आप? दमोह 3 बजे। अभी तक कितनी मशीनें आप ऐसी बिठाल चुके हैं? अभी तक 10वां मशीन है। 10वां मशीन है। 10 मशीन आप चिप कर चुके हैं कंपनी की तरफ से। और ये जो मशीन है, इसको रख रखाव में क्या कोई समस्या तो नहीं आती है? नहीं, समस्या आती है हटने से, पुराना से रख सकते। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई समस्या आती है तो फिर वहाँ से लोगों को भेजना, कंपनी भेजती है तुरंत भेजती है? मतलब तुरंत भेज देती है और फिर आप मशीन को दुरुस्त कर देते हैं? मिशन रुक के नहीं रख सकते। हाँ हाँ, जल्दी प्लांट चालू करने का रहता है, ऑक्सीजन जल्दी मिलना चाहिए लोगों को। हाँ, इसलिए हम मतलब आपका आपका कोई व्यक्ति ऐसा रहेगा अभी कुछ दिन के लिए यहाँ रुकेगा क्या? नहीं नहीं, हम ऑपरेटर बना देंगे इधर एक, हम मिशन पुणे से ऑपरेट करेंगे। अच्छा, पुणे से ऑपरेट करेंगे, यानी ऑटोमेटिकली वहीं से ऑपरेट होगा, सीधा सीधा वाईफाई से ऑपरेट होगा, यानी डिजिटल इंडिया का लाभ मिलने जा रहा है ऐसे। ठीक है, ठीक। तो सुना आपने, अभी हमने भारत पेट्रोलियम के 2 इंजीनियरों से चर्चा की है, सहयोगियों से चर्चा की है, किस प्रकार वह मशीन काम करेगी और कितने लीटर ये ऑक्सीजन बनाएगी, कैसे कैसे इसका काम होगा और किस प्रकार ये ऑपरेट होगी। निश्चित रूप से दमोह वासियों का जो इंतजार था लंबे समय का, वह समाप्त हुआ। अब खुशियों की घड़ी आ गई है। गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर दमोह को यह मशीनें मिलने जा रही है, ऑक्सीजन प्लांट की जो सौगात है वह मिलने जा रही है। देखते रहिए LNBTV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।